LC oscillations present सर्किट है पूरा जन यहाँ पे एल मतलब यहाँ पे इंडक्टर और सी मतलब यहाँ पे कैपेसिटर। ये समझो कैपेसिटर सी या इंडक्टर है एल। ठीक है, जब हम इस सर्किट को कनेक्ट करते हैं सी की जो प्लेट्स होती हैं उसमें से एक प्लेट होती है नेगेटिव और एक प्लेट होती है पॉजिटिव। इसका मतलब जो कैपेसिटर है उसको हम चार्ज करके मतलब पूरा चार्ज करके फिर हम इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को हम इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद ये कैपेसिटर का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पाथ से यहां से पास होते हुए यहां आएगा। तो धीमे धीमे इसका नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा और जब इस पॉजिटिव चार्ज को मिलेगा तो पॉजिटिव चार्ज भी कम होता जाएगा। मतलब कैपेसिटर का चार्ज जो है वो धीमे धीमे कम होता जाएगा, लेकिन कैपेसिटर का चार्ज जब यहाँ से पास हो रहा है ये इंडक्टर है तो जैसे ये चार्ज पास होगा तो सिंपल बात है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कम हो रहे हैं मतलब करंट की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही होगी। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब इंडक्टर में करंट की वैल्यू चेंज होती है तो इंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जैसे जैसे कैपेसिटर का ईएमएफ कम होता जाएगा वैसे वैसे इंडक्टर का जो ईएमएफ है यानी कि एनर्जी है बढ़ती जाएगी। कुछ टाइम ऐसा आएगा जिसमें कैपेसिटर का पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा लेकिन इंडक्टर के पास एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम, और उस एनर्जी से क्या होगा कि यहां से समझो 10 नेगेटिव चार्ज थे 10 पॉजिटिव चार्ज थे जीरो हो गए लेकिन जो इंडक्टर की एनर्जी है वो 10 नेगेटिव चार्ज और खींच के आएगी। मतलब यहां से जो 10 नेगेटिव चार्ज है वो तो आएंगे आएंगे 10 एक्स्ट्रा और आएंगे तो थोड़ी देर के बाद इंडक्टर की जो एनर्जी है वो कैपेसिटर को वापस चार्ज करना स्टार्ट करेगी लेकिन इंडक्टर खुद धीमे धीमे डिस्चार्ज होता जाएगा और कुछ देर बाद ये हो जाएगा कि कैपेसिटर की ये प्लेट पूरी पॉजिटिव हो जाएगी और कैपेसिटर की ये प्लेट पूरी नेगेटिव हो जाएगी और इंडक्टर जो है वो पूरा क्या हो जाएगा अनचार्ज्ड। मतलब पहले कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तो उसने धीमे धीमे चार्ज इसको देना स्टार्ट किया तो इंडक्टर के अंदर भी एनर्जी आने लगी। थोड़ी देर के बाद कैपेसिटर की एनर्जी खत्म हो गई लेकिन जो इंडक्टर की एनर्जी थी उस एनर्जी ने इसको वापस खींच लिया और फिर से कैपेसिटर को क्या कर दिया चार्ज कर दिया और इंडक्टर खुद को जीरो कर दिया। लेकिन जब इंडक्टर खुद को जीरो कर देगा और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर वापस पहली सिचुएशन में आ गया। अब कैपेसिटर वापस अपना जो नेगेटिव चार्ज है क्योंकि अब तो नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पे आ चुका होगा वो नेगेटिव चार्ज वापस रिटर्न करके इस तरफ आएगा अगेन इंडक्टर को चार्ज करेगा खुद को डिस्चार्ज करेगा फिर धीमे 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 वापस कैपेसिटर की ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी सॉरी दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे पहले तब तक इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो गया होगा। लेकिन इंडक्टर जो चार्ज हो गया है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा और वापस ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब कंटिन्यूसली पहले एनर्जी कैपेसिटर में से इंडक्टर प्रोवाइड होगी फिर इंडक्टर में से कैपेसिटर अगेन कैपेसिटर में से इंडक्टर इंडक्टर में से कैपेसिटर और अगर इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है एक आइडियल सर्किट है तो ये एनर्जी कंटिन्यूसली दोनों के बीच में ऑसिलेट करती रहेगी। ऐसे ऑसिलेशन को बोलते हैं हम एलसी ऑसिलेशन। जैसे पेंडुलम कैसा होता है जब हम राइट साइड पेंडुलम तुम्हें पता होगा पेंडुलम है ना ऐसे ऐसे घूमता है तो यहाँ जाता है
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, यहाँ आता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक, वैसे ही इसमें एनर्जी कम ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम नाम क्या देंगे, LC ऑसिलेशन। यहां तक समझ में आया सबको बेटा, कोई डाउट? पूरा सर ध्यान। कंसीडर कैपेसिटर, कंसीडर कैपेसिटर हैविंग चार्ज क्यू नॉट एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो इज कनेक्टेड विथ एन इंडक्टर, विथ एन इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस एल। Now, capacitor behaves like a battery and generates decreasing electric current in the circuit and behaves like a battery and generates decreasing current in an inductor, yeah, in an circuit. As a result, inductor gets charged. Then the potential difference across circuit हम लोग उसको लिखेंगे वी सी इक्वल्स टू वी एल, तो वी सी होता है क्यू बाय सी और ये होता है माइनस एल डी आई बाय डी टी। याद है सबको बेटा, क्लियर एवरीवन? यस सर। अब इसमें डी आई बाय डी टी को सब्जेक्ट, और डी आई बाय डी टी क्या मिलेगा, माइनस क्यू बाय एल सी, इसको कैपिटल क्यू लिख देते हैं। पूरा देना क्यू, ठीक है। फिर हम इसको लिख सकते हैं डी ए बाय डी टी सेम आई की जगह डी क्यू बाय डी टी, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर माइनस क्यू बाय एल सी। इसको प्लस में ले लें तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय एल सी इज इक्वल टू जीरो। समझ में आई सबको बात? यस। अब पूरा ध्यान, द अबव इक्वेशन शोस चार्ज गेट्स ऑसिलेट विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये जो ऊपर वाली फॉर्मूला है उसको हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जीरो, जहां पे ओमेगा स्क्वायर क्या होगा,
वन अपॉन एल सी। समझ में आया बेटा बात, क्योंकि तुमने शायद ऑसिलेशन में ऐसी फॉर्मूला पढ़ी हो, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, याद है? ऊपर एक्स या वाई दोनों हो सकते हैं। गॉट इट? याद आया कुछ? यस सर। तो ये ओमेगा मिलेगा वन अपॉन रूट एल सी, तो ये हुआ एल सी ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहां तक कोई डाउट? दूसरी बात, नो सर। इसका सॉल्यूशन ये होता है, तुम्हें याद है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है? तो यहां पे भी ऐसा ही है। नाउ द इक्वेशन ऑफ चार्ज इज गिवन बाय या गिवन विथ साइन फंक्शन, तो चार्ज को लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आए बेटा यहां तक बात? फिर एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो चार्ज क्यू इक्वल्स टू क्या होगा? क्यू नॉट, क्योंकि ऊपर हमने लिखा था यहाँ पे कि जब टाइम जीरो हो उस पर चार्ज क्यू नॉट था, तो क्यू की जगह डाल देंगे क्यू नॉट जो मैक्सिमम था, इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टाइम की जगह जीरो। क्यू नॉट कैंसल, वन इक्वल्स टू साइन फाइव, तो फाइव कितना मिलेगा तुम्हें? 90। देन इक्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इक्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? चार्ज का इक्वेशन होगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। तुम्हें पता है साइन 90 क्या बन जाता है? कॉस ओमेगा टी। तो जो चार्ज है वो ऑसिलेट करेगा किस फॉर्मूला से? क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट। समझ में आया बेटा सबको बात? अब ये तो हो गया चार्ज। नाउ इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ करंट, तो करंट की इक्वेशन याद है सबको? मतलब I इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला डिफाइन करते हैं डी क्यू बाय डी टी, तो डी बाय डी टी एज इट इज, क्यू की जगह क्या डालेंगे? क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, तो I सेम क्यू नॉट सेम, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस, और जो ओमेगा है वो बाहर भी आएगा, तो करंट की फॉर्मूला बन जाएगी I इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर तुम ध्यान से एक बात नोटिस करो तो करंट साइन फंक्शन में डिपेंडेंट है और चार्ज कॉस फंक्शन में डिपेंडेंट है। ये क्या इंडिकेट करता है? कि चार्ज जब मैक्सिमम होगा तब करंट जीरो होगा, और जब चार्ज जीरो होगा तब करंट मैक्सिमम होगा। इसका मतलब चार्ज इंडिकेट करती है कैपेसिटर की एनर्जी, याद है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, और करंट इंडिकेट करता है इंडक्टर की एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर। तो मतलब कैपेसिटर में जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तब इंडक्टर में एनर्जी जीरो होगी, और जब इंडक्टर में एनर्जी मैक्सिमम होगी तब कैपेसिटर में एनर्जी जीरो होगी, और ये कंटिन्यूसली आपस में क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ चेंज हो रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही होगी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही होगी, आपस में दोनों साथ साथ चेंज हो रही है। तो ऐसे सर्किट से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जनरेट कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 14 में। तो
ये सर्किट काम आती है ट्यूनिंग के लिए, इसको बोलते हैं एलसी सर्किट। लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर्किट है, वायर्स हैं, वायर्स में रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होगा। देखो आइडियल सिचुएशन कैसी है, चार्ज मैक्सिमम करंट जीरो, करंट मैक्सिमम चार्ज जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि समझो कैपेसिटर के पास पहले 100 जूल एनर्जी है, तो थोड़ी देर के बाद इसकी अगर एनर्जी जीरो हो जाती है तो इंडक्टर की 100 हो जाएगी, और थोड़ी देर के बाद वापस इंडक्टर की जीरो हो जाएगी तो कैपेसिटर की 100 हो जाएगी। लेकिन थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली कैसा होता है, समझो कैपेसिटर के पास 100 जूल है, तो जब ये जीरो हो जाएगा ना तो इंडक्टर के पास 100 नहीं पहुंचेगी, 98 जूल हो जाएगी। समझो 2 जूल हीट में कन्वर्ट हो गई। फिर 98 जूल जो इंडक्टर के पास है, अगर वो जीरो हो जाता है तो कैपेसिटर के पास अब 98 नहीं पहुंचेगा, वो 96 पहुंचेगी, फिर से 2 जूल कम हो जाएगी। एंड इन द सेंस धीमे धीमे सर्किट की टोटल एनर्जी कम होती जाएगी प्रैक्टिकली। थियोरेटिकली कैसे होगी, 100 0 100 0, टोटल 100 ही रहेगी हर बार, लेकिन प्रैक्टिकली धीमे धीमे कम होती जाएगी। इसका मतलब अगर इसका तुम्हें सिस्टम को परमानेंट चलाना हो तो साथ में तुम्हें एक बैटरी प्रोवाइड करनी पड़ती है जो इनको कंटिन्यूसली बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करती रहे। समझ में आए बेटा सबको बात, एवरीवन क्लियर? यस सर। लिख के